नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। कालका से समालखा में आपका स्वागत है। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में किसानों के लिए ये एक बड़ी और अच्छी खबर और खुशी भरी खबर उनके लिए देखा जा रहा है। आपको सुनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कुछ कहा है। आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है, अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे, आइए एक नई शुरुआत करते हैं। सीएम मनोहर लाल ने पीएम के कृषि कानून वापसी के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही सभी किसानों से अब आंदोलन खत्म करने की अपील की है। सीएम ने कहा कि सरकार ने किसानों से लगातार चर्चा की, कृषि कानून किसानों के हित में ही थे, हमने हमेशा किसानों के हित में सोचा है। आगे और कुछ उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। गतिरोध चल रहा था, कुछ किसान नेताओं ने किसानों के बारे में जो तीन बिल पारित करके कानून बनाए गए थे, यद्यपि वो जो बिल हैं किसानों के हित में थे, किसानों की भलाई के लिए थे, खास करके छोटे किसान, मध्यम दर्जे के किसान, उनको बहुत लाभ होने वाला था। लेकिन चूंकि कुछ किसान नेताओं ने इतराज जताया और एक वो गतिरोध बना था, आज प्रधानमंत्री जी ने बड़े हृदय से, और मैं कहूँगा कि उन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। और इसमें अब चूंकि देश के प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक पद्धति से जो व्यवस्थाएं अपने यहाँ होती हैं उनकी इस बात के ऊपर विश्वास करते हुए, जैसे ही लोकसभा का सेशन शुरू होगा उस समय इनको विधिवत तौर पर वही। प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। चलिए, अब तो कोई ज्यादा दिन नहीं है उनकी बात को भी, 10 दिन बाद पार्लियामेंट का सेशन है। अगर वो 10 दिन और इस चीज के लिए इंतजार करना चाहते हैं कि पार्लियामेंट से ये विड्रॉ, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री की जबान से बड़ा आज हमें कोई चीज नहीं माननी थी। जब उनने कह दिया मेजॉरिटी उनकी है लोकसभा में भी राज्यसभा में, तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि 29 के सेशन के अंदर अगर कोई ओबिचरी नहीं है तो उसी दिन विड्रॉ करने का काम कर। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान का स्वागत किया है। जो तीन कृषि कानून देश में लगभग एक वर्ष पहले लागू हुए थे, अपनी विशाल हृदय का परिचय देते हुए, दरिया दिली का परिचय देते हुए उन्होंने वो तीनों कृषि कानून वापस लेने का जो ऐलान किया है, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही बड़ा उनकी उदारता है। कहते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति अपनी गलती मान लेता है और उसको स्वीकार कर लेता है, उससे उसका कद उसका बहुत बड़ा हो जाता है। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानूनों के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। बहुत लोगों का वेटेड था कि कोई निर्णय हो, वापस एक्ट हो या ये हो, ये तो देखिए प्रधानमंत्री जी का फैसला है, भारत सरकार का फैसला है। पर मैं ये समझता हूँ कि जो फैसला किया है ये बहुत बड़ा समुदाय जो देश का है उसको इंटरेस्ट को देख के करा गया है।
फैसला तो बहुत बार तकरीबन ऑलमोस्ट पहले ही हो चुका था, जब दो बातों पे सहमति थी, दो बातों पे एक पे काफी आगे बढ़ गए थे और दोनों पक्ष कह रहे थे कि हमारा ठीक हो रहा है। पर ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा लेट हुआ इसमें अभी, क्योंकि फैसला कोई अथोराइज पर्सन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से करेगा, कोई कैबिनेट से कोई आदमी बोलेगा तो फैसला तो नहीं कहे, मुझे सब डिटेल्स का पता नहीं है। पर ये खाली प्रधानमंत्री जी का ये मैसेज आया है कि ये एक्ट वापस ले रहे हैं, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। कृषि कानून वापसी पर अभय चौटाला क्या कुछ बोले आपको सुनाते हैं। तो एक वर्ष तक लगातार किसान को अपना घर बार परिवार खेत सब छोड़ करके दिल्ली के बॉर्डर पे लाखों की संख्या में नहीं बैठना पड़ता जी। और आज जब वापिस लिया है तो भी किसी से सलाह मशवरा नहीं किया, मतलब ये प्रजातंत्र तरीका जो है, प्रणाली जो है, इसमें इस तरह के फैसले सही नहीं है जी। हमेशा कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उसको कम से कम अपनी कैबिनेट से, अपने सलाहकारों से सलाह मशवरा जरूर करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, देश के प्रधानमंत्री को कम से कम ये समझ में तो आया कि आपने जो फैसला किया था वो गलत था। आज किसान जो है, किसान के पास कभी इतनी फुर्सत नहीं थी कि किसान अपना घर बार खेत परिवार छोड़ करके सड़कों पर जाकर के बैठे, बॉर्डर पर जाकर के बैठे, सर्दी गर्मी किस तरह से उन्होंने अपना एक साल वहां पे बिताया। लेकिन किसान की एक खासियत और भी है, किसान को अगर कोई छेड़ता है, किसान को कोई उकसाता है, किसान को अगर कोई आंदोलन करने पे मजबूर करता है तो फिर किसान जो है उसको छोड़ता भी नहीं। आज ये साबित करती है, इस बात पे मोर लगा दे कि आज किसान ने जिसने छेड़खानी करी उसको मजबूर। वही किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। साथियों नमस्कार। आज मोदी ने तीनों काले कानून वापिस लेने का ऐलान किया है, जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से लड़ रहे हो और जगह जगह से फोन भी आ रहे हैं। साथियों सबसे पहले तो हम उन 700 से ज्यादा किसानों को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, उनके आगे सल्यूट करना चाहेंगे जिन्होंने इस आंदोलन में कुर्बानियां दी और जिसकी वजह से ये आंदोलन आज तक चल रहा है और जिनकी वजह से आज देश का, दुनिया का सबसे हठी आदमी आज झुका है। सभी आंदोलनकारियों को बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे जिनके ऊपर मुकदमे हुए, जिनको लठ लगे सिर पड़वाए। हमारी माताएं बहनें भी आंदोलन में जो है वो आगे रही, उन सभी आंदोलनकारियों को का धन्यवाद करना चाहेंगे। लेकिन साथियों अभी तक MSP पे कोई बात नहीं हुई है, अभी तक लोगों पे हरियाणा के अंदर 48,000 लोगों पे मुकदमे दर्ज हैं, उसके बारे कोई बात नहीं हुई है, बिजली बिल पे कोई बात नहीं हुई है और कई मुद्दे और ऐसे हैं जो हमने सरकार के आगे रखे थे, जैसे इन्होंने हरियाणा में जमीन अधिग्रहण का और कर दिया है। तो कुल मिला के ये है कि इसके बारे मीटिंग की जाएगी, संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी और संयुक्त मोर्चे की मीटिंग के बाद ही हम कोई फैसला ले पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानूनों के वापस लेने के बड़े बयान के बाद करनाल के टोल प्लाजा पर किसान नेता इकट्ठा हुए, किसानों से बातचीत की हमारे संवाददाता विकास मेहता ने। तीन कृषि कानूनों को लेकर जहां किसान पिछले एक साल से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए नजर आ रहे हैं, वहीं आज सुबह जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाइव बातचीत के दौरान जो कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही गई है और आने वाले सत्र में जो संवैधानिक प्रक्रिया पूरी कर उन्हें वापिस लेने की बात की गई, उसके बाद बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर काफ़ी संख्या में किसान खुशी मनाते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। लेकिन उनकी कुछ मांगे भी हैं, कुछ किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे
जानने का प्रयास करते हैं, क्या कहेंगे आज जो कृषि कानून वापिस लेने की बात कही गई है, किस तरह से देखते हैं और कितना एक साल का जो संघर्ष रहा उसे कैसे समझ। किसानों के संघर्ष की जीत हुई है, मोदी सरकार को झुकना पड़ा और जो हमारे लगातार किसान शहादत हो रही थी, 700 से 800 के करीब किसानों की शहादत होगी इस आंदोलन में, और दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा था, चाहे टीकरी बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, शाहजहां बॉर्डर हो, चारों तरफ से वहां हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग और युवा साथी पिछले एक साल से निरंतर गर्मी सर्दी बरसात तूफान हर प्रकार के कष्ट सहन करते हुए वहां बैठे थे, आंदोलन को चला रहे थे। ये उन सब की जीत है। और जो 750 किसान शहीद हुए लखीमपुर खीरी में, भाजपा ने जो हमारे किसानों को कुचल के शहीद कर दिया था उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। और जो हमारा यहाँ बस्ताड़ा गरोंडा करनाल टोल टैक्स पर पिछले दिनों भाजपा सरकार की बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज में सुशील काजल शहीद हुआ था, उन सब के परिवारों को न्याय मिला है। और लेकिन अभी भी हमारे को डाउट है MSP का, और जब तक इन्होंने, क्योंकि ये चोर दरवाजे से कानून लेके आया था मोदी, जब कोरोना काल इस देश में चल रहा था, लोग घरों में कैद थे, तो इन्होंने ये संसद में ले आके कृषि बिल पास कर दिए थे। लेकिन अब जब तक 29 संसद सत्र चल रहा है, तो हमारी चेतावनी है संसद में इसको रिकॉल करें, वापस लें, रद्द करें और MSP पर खरीद गारंटी कानून। क्या प्रक्रिया रहेगी अब, क्योंकि जिस तरह से संयुक्त मोर्चा की कल मीटिंग है, तो क्या कैसे देखते हैं? जैसे हमारे सीनियर नेता संयुक्त किसान मोर्चा, हमारे सरदार राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, जो भी उनके आदेश होंगे उसी का पालना होगी, चाहे आगे अभी 15 दिन 20 दिन और हमारे को संघर्ष करना पड़े करेंगे। माल से किसान नेता हमारे साथ मौजूद है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुशी भी यहाँ पर जाहिर करते नजर आ रहे, किसान नारेबाजी करते हैं, किसान भाईचारे के नारे यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं खुशी की बात किसानों के लिए भी जरूर है, क्योंकि एक साल का लंबा समय बीतने के बाद जो कृषि कानूनों को वापस लेने की बात हुई है उसको लेकर एक खुशी का माहौल किसानों में दिख रहा है। लेकिन किसानों को कहने की, जैसे कि संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो भी आदेश होंगे उनकी पालना की जाएगी। करनाल से विकास महला, हर खबर। यमुनानगर में कपाल मोचन मेले का समापन, सीएम मनोहर लाल ने मेले में शिरकत की, साथ ही सीएम ने सरोवर में स्नान किया, उसके बाद पूजा अर्चना की गई। बता दें कि मंदिर में माथा टेका और गुरुद्वारे में जाकर के उन्होंने अरदास भी की। यहां से सरस्वती नदी का बहुत चीजों का विकास हुआ, जिसमें कपाल मोचन क्षेत्र के अंदर भी जब जब जो चीजें हमारे सामने आई वो हमने कराई है। यहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम स्थान आदि मंदिर स्थान तक सड़क, इसको भी कुछ छह मार्ग की चार मार्ग की बनी है, चार मार्ग की बन गई है और कुछ थोड़ा 5 किलोमीटर। ब्रेक के बाद स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने पर अजय चौटाला और अभय चौटाला का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। किसान लंबे समय से संघर्षरत थे, हम तो पहले भी बार बार कहते रहे हैं कि किसान आंदोलन समाप्त हो, इनकी समस्याओं का निदान हो। प्रधानमंत्री जी ने आज देर से सही पर एक साहसिक निर्णय लिया है, जहां उनका फैसला है वहीं किसानों की भी जीत हुई है। मैं उनको भी मुबारकबाद और बधाई देता हूं और निकट भविष्य में प्रधानमंत्री जी जो भी कोई कृषि से संबंधित और कानून बनाएंगे वो किसान संगठनों के साथ बैठ करके उनकी राय लेकर के बनाएंगे, ताकि उसके सार्थक परिणाम निकलें। वो कल अपनी मीटिंग में फैसला करेंगे, ये उनका काम है। सरकार की तरफ से जो निर्णय हुआ है मैं उसकी सराहना करता हूं और उनको बधाई और मुबारकबाद देता हूं। चुनाव तो बीच में वेस्ट बंगाल के भी हुए, दूसरे स्टेटों के भी हुए, चुनाव के डर से नहीं, लोगों की समस्या लंबे समय से चली आ रही थी उसको मद्देनजर रख करके फैसले हुआ करते हैं। तो एक वर्ष तक लगातार किसान को अपना घर बार परिवार खेत सब छोड़ करके दिल्ली के बॉर्डर पे लाखों की संख्या में नहीं बैठना पड़ता जी। और आज जब वापिस लिया है तो भी किसी से सलाह मशवरा नहीं किया, मतलब ये प्रजातंत्र तरीका जो है
प्रणाली जो है इसमें इस तरह के फैसले सही नहीं है। हमेशा कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उसको कम से कम अपने कैबिनेट से, अपने सलाहकारों से सलाह मशवरा जरूर करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, देश के प्रधानमंत्री को कम से कम ये समझ में तो आया कि आपने जो फैसला किया था वो गलत था। आज किसान जो है, किसान के पास कभी इतनी फुर्सत नहीं थी कि किसान अपना घर बार खेत परिवार छोड़ करके सड़कों पे जाकर के बैठे, बॉर्डर पे जाकर के बैठे, सर्दी गर्मी किस तरह से उन्होंने अपना एक साल वहां पे बिताया। लेकिन किसान की एक खासियत और भी है, किसान को अगर कोई छेड़ता है, किसान को कोई उकसाता है, किसान को अगर कोई आंदोलन करने पे मजबूर करता है तो फिर किसान जो है उसको छोड़ता भी नहीं। आज ये साबित करती है, इस बात पे मोर लगा दे कि आज किसान ने जिसने छेड़खानी करी उसको मजबूर। और इसी के साथ कालका से समालखा में बस इतना ही, देखते रहिए हर खबर हरियाणा।